आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कल हमने क्या किया था। हाँ, बेसिकली हमने कल ना लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम क्यों पढ़ रहे हैं उस हवाले से बात की थी। लास्ट क्लास में हमने ये पता किया था, एल्गोरिदम्स के बारे में मैंने थोड़ा बताया था। कल हमने एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर किया था कि एल्गोरिदम्स होते क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरह हम किसी इंसान को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ से चले जाओ स्टूडेंट बिरयानी और मेरे लिए बिरयानी लेकर आ जाओ, तो आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से आप कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम उसे किस तरह बुलेटेड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं। जब वो बुलेटेड फॉर्म में देते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो स्ट्रक्चर आप फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन अपनी ज़बान में लिख ली, जी मुझे कंप्यूटर को बताना ही है, सही। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने वो इंस्ट्रक्शन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा, फला फला पे ट्रांसलेट कर दिया। ये ऐसे ही हुआ ना कि आप जब कभी कभार इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो इंग्लिश से पहले आप उर्दू में उसे सोचते हैं कि उर्दू में क्या बोलना है, फिर आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जुमला बनाते हैं। तो बेसिकली यही है एल्गोरिदम। तो उसमें कुछ एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि अगर एक बच्चा है, उसका मार्क्स, उसके मार्क्स आपके पास आए हैं, आपने कंप्यूटर को दिया और आपने कंप्यूटर को बताया कि अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हो तो उसे एक्सीलेंट कह दें, अगर 50 और 90 के दरमियान हो तो उसे एवरेज कह दें, और अगर 50 से कम हो तो फेल कह दें। एक चीज़ मैंने ये बताई थी कि जी CPU के बारे में पढ़ लीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा है ALU CU, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसके अंदर ना बेसिकली जब मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँगा तो आपको कंप्यूटर CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बातें क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक एक थोड़ा सा वो यही था। अच्छा जी, लास्ट सब आ गए जो जो थे, अब स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कुछ याद है? एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ा था, थोड़े एल्गोरिदम्स हमने ह्यूमन लैंग्वेज में और ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस में समझने की कोशिश की थी, ठीक है। उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी, पहले आप लोगों ने उसे एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा था, फिर उन्होंने उसे बुलेटेड फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया, सही है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे दो सवाल है अबव दिस लाइन, दो एल्गोरिदम मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ लिखे, ठीक है। पहला एल्गोरिदम क्या है, एक बुक है जो आपको थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी से पिक करनी है। इसमें कंडीशन ये है कि आप ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है, ठीक है, और आपको थर्ड फ्लोर की लाइब्रेरी से पिक करनी है, समझे। ये इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूँ और मेरी माइंड से ये आप लिख रहे होंगे कि मैं अगर इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँगा तो क्या किस तरह से दे रहा हूँगा। बुलेटेड फॉर्म में लिखिएगा और जितना डिटेल्ड हो सके ना वो लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक इंस्ट्रक्शन एक बुलेट पे हो। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप ग्राउंड फ्लोर की सीट पे बैठे हुए थे, तो सीट से उठना एक इंस्ट्रक्शन है तो वो एक लाइन में आएगी, सही। सीट से उठ के सीढ़ी चढ़ना एक अलग इंस्ट्रक्शन है, वो अलग उसमें आएगी, इससे डिटेल बढ़ जाती है। तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन ठीक तो होगी, गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड गो टू द थर्ड फ्लोर, लेकिन उसको डिटेल बनाने के लिए गेट अप फ्रॉम द सीट अलग हो के थर्ड फ्लोर, और उसको भी आप और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो जितना डिटेल्ड हो सकता है ना इस इंस्ट्रक्शन को लिखिएगा। इसी तरह एक एल्गोरिदम आपको दूसरा लिखना है कि आप समझे चौकीदार है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रात भर आपने जागते रहो कहना है जब तक सुबह नहीं हो जाती, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स हमने अभी तक डिस्कस किए थे वो थे वन टाइम काम करने के, इसमें रिपीटेशन है। आप
को बार बार ये देखना है कि रात है या नहीं। अगर रात है तो आपने जागते रहो कहना है, अगर रात नहीं है तो आपने जागते रहो कहना रोक देना है, ठीक है। जब ये दो आपके पास हो जाए, तो मैंने लाइन इसलिए लगाई है क्योंकि अब जो है ना, हम वो काम करेंगे जो एल्गोरिदम्स कंप्यूटर को हमें देने होते हैं, हम वो लिखेंगे। तो बेसिकली शुरू के दो जो है वो ह्यूमन बेस्ड इंस्ट्रक्शन है ये जो है, और इसी को मैं आगे और भी लिखूंगा, हम कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। तो स्टार्ट करें, और जितना जल्दी हो सके इसे ख़त्म कर दें। जब ये दो हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, और जो कर ले मुझे दिखा दें आपको। अच्छा, अब इसमें देखें, आप टाइम चेक करें शुरू में। सही, आपने टाइम चेक किया 12 बजे आपने कर दिया। अब आप कंटिन्यू सेइंग, अब आप टाइम कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पे आप लिखेंगे चेक द टाइम इफ़ इट इज़ 6। ये देखो, इसमें ना आपको एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी से बुक लेकर आनी है। बस इंस्ट्रक्शन को बुलेटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। किसी को आप कह रहे हैं कि यार 3rd फ्लोर जाओ लाइब्रेरी से बुक लेकर आ जाओ, उसे बस बुलेटेड फॉर्म में लिखना है। देखिए, इसमें आपके पास ना ह्यूमन लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसमें आपके पास लेवरेज है कि वो फुली अंडरस्टैंड कर ले या ना करे, है तो इंसान ही थोड़ा बहुत समझ सकता है। लेकिन जब हम ये इस इंस्ट्रक्शन पे आएंगे ना, कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन पे, तो वो थोड़ा सा टू द पॉइंट होगी, डिटेल्ड होगी, लेकिन उसमें आपको बड़ा फोकस पॉइंट्स लिखने होंगे। अच्छा, ये बहुत किसने लिखा है? ये बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिटेल दोगे ना उतना ज़्यादा आसान होगा अगले को समझने में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लिखा है। अच्छा, इसमें सेकंड वाले में ना एक जो मैंने ट्रिक बताई थी वो इफ़ और एल्स की नहीं है। देखो, इफ़ और एल्स क्या होता है? अगर का जो जुमला है, जो लफ्ज़ है, वो कब इस्तेमाल होता है? वो ये होता है कि जैसे मुझे भूख लगी है या नहीं लगी, दो कंडीशंस होती है ना, ठीक है। या तीसरी कंडीशन होती है कि मुझे भूख लगी है, हल्की भूख है या ज़्यादा भूख है, कंडीशन ये होती है। अच्छा, ये तो कंडीशन पे मैं इफ़ और एल्स लगा सकता हूँ, यानी ये अगर या मगर कह सकता हूँ, या अगर ये, अगर ये, अगर ये, वरना अगर ये, इस तरह से मैं बोल सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो कंटिन्यूस है, ठीक है, जैसे रात, वो अगर पे नहीं आ सकती, उसके लिए बार बार आपको चेक करना होगा। तो बार बार आपको वो कंडीशन पे लाना होगा कि वो चेक करे कि क्या रात है या नहीं। तो ये कंडीशन सबने मिस की है अभी। वो क्या कंडीशन है कि हाँ, आप ये तो चेक करवा रहे हैं रात है या नहीं, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रहे कि कब कब चेक करना है, ठीक है। तो आपने उसको ये बोल दिया कि जी रात हो तो बोलना जागते रहो, वरना सुबह मत बोलना, लेकिन आप उसे ये बता कब रहे हैं कि रात का चेक करना है आपने, समझ आई? तो नो वरीज, ये आगे समझ आ जाएगा। लेकिन ये ट्रिक थी इसमें, ये एक चीज़ होती है कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। और बाकी अच्छा, कितनों ने कर लिया है? हाथ नजर ही नहीं आ रहे मुझे, या तो लोगों ने कम किया है तो हाथ नजर कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, कितनों ने नहीं किया? अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उन वो कर रहे हैं या उनको मसला हो रहा है? मसला तो नहीं हो रहा,
सवाल समझ नहीं आया। देखो सवाल छोटा सा ये है कि मुझे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि तीसरे फ्लोर जाओ और एक किताब लेकर आ जाओ। सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में ये है कि रात भर आपने जागते रहो बोलना है, और जब सुबह हो तो चुप हो जाए, ठीक है? तो इसमें सब मिस्टेक करेंगे, जिन्होंने सही जिन्होंने कर लिया है ना, उन्हें भी मिस्टेक की भी है। तो आप अपनी तरफ से कर लें, उसकी मिस्टेक हम रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि गलत ही सही जब आप कर लेंगे ना, तो हम उसे रेक्टिफाई करते रहेंगे। आपको समझ आ गया क्या हो रहा है? ठीक है, क्या नाम था आपका? शाहजेब। सही है, गलत सही, गलत हो रहा है तो होने दो, वो मसला नहीं है। बेहतर ये कि ट्राई एटलीस्ट करो। नहीं मैं तो नहीं, स्लीप का क्या ताल्लुक है? चौकीदार का स्लीप से ताल्लुक थोड़ी है। अच्छा स्टैंड अप, यू गो एंड पिक अप द बुक इन थर्ड फ्लोर। मैंने क्या सवाल पे क्या बोला था? डिटेल्ड दिखाना जरा अपना, ये सीधी कर, ये देखो आप में और इसमें क्या फर्क है? डिटेल्ड, हाँ मैंने बोला था ना डिटेल्ड। कोई बात नहीं यार, पिकअप बुक कर लो। चलो देखो मकसद है इंस्ट्रक्शन देना, सही है? इंस्ट्रक्शन देनी आनी चाहिए, ठीक है? ये जो दो सवाल है ये ह्यूमन इंस्ट्रक्शन है, ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। अच्छा मैंने कोई कैद भी नहीं लगाई, अगर आप सवाल देखें तो सवाल में तो मैंने बोला भी नहीं कि लेकर आओ, मैंने ये फ्रीडम आपको दी ना। आप लिफ्ट में जाओ, उड़ के जाओ, सीढ़ियों से जाओ, कोई टोकरी ऊपर से फेंके उसके ऊपर बैठ जाओ, ठीक है? ये तो आज़ादी आपकी है। हाँ जब एल्गोरिदम बनेगा कंप्यूटर का, तो आपको बड़ा स्पेसिफिक होना होगा, वो अभी आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये दो सवाल हो गए, मैं असल में आगे बढ़ना नहीं चाह रहा इन दो सवालों के ख़त्म होने से पहले। तो ज़रा एक दफ़ा हाथ उठा देंगे जिन्होंने नहीं किया। आपने सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में क्या समझ लिया? तुम तो कर लिया ना ऑलमोस्ट, सेकंड वाला करो। हाँ जी दिखाओ। देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, उर्दू में अगर तुम मुझे बोलो उर्दू में कि तीसरे फ्लोर से किताब लेकर आओ, बोलो। हाँ हाँ इसको और थोड़ा खुल के बोलो। मैं बोलता हूँ, चलो यार सीट से उठो, वहाँ सीढ़ियों पे जाओ, तीसरे फ्लोर पे जाना, लाइब्रेरी में जो छठा काउंटर है ना, वहाँ पे लाल रंग की किताब होगी, उसको लेकर वापस आ जाओ। कोई मुश्किल काम तो नहीं है, इसी को मैंने बोला है कि इंग्लिश में बुलेट फॉर्म में लिखना है। सही है, लिखो। अच्छा वैसे मैं लास्ट क्लास हमारी जो थी उसमें काफ़ी छोटे बच्चे थे, यहाँ पे भी हैं, ठीक है? और उसमें एक चैलेंज मुझे ये था कि मुझे तीन क्लासेस तो उन्हें ह्यूमन ये वाले एल्गोरिदम में लग गई थी, आप लोगों में नहीं लगी। लेकिन उसका एक नुकसान होता है, उसका नुकसान ये होता है कि अगर क्लास में ज़्यादा लोगों को जल्दी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती और वो पीछे रह जाते हैं। तो जिनको नहीं आ रही समझना, वो मुझे रोक दिया करें वहीं पर, ठीक है? क्योंकि जिनको नहीं आती वो यूजली शर्माने लगते हैं और क्लास आगे बढ़ जाती है, ठीक है? तो क्लास को आगे ना बढ़ने दें, ये उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है? अब जैसे आप तीनों को समझ नहीं आया, ये आपका फ़र्ज़ है कि क्लास को रोके रखें, सही? क्योंकि सबके साथ चलने का ही फ़ायदा है, वरना आप जिनको आता है, अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, उनको तो आता ही होगा, तो मैं बढ़ता रहूँगा आगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, सही? समझ आ गया? लिख लिया? हाँ नहीं लिखा? लिख लिया, रात वाला भी लिख लिया, रात वाले में क्या लिखा? हाँ देखो, अच्छा एक चीज़, ऊपर वाले तुमने बुलेट में लिखा, ये वाला तुमने सेंटेंस लिख दिया, इसको बुलेट में लिखो। दो ही जो तुमने पूरा सेंटेंस लिखा है, इसको क्या करो? ये इफ नाइट जागते रहो एल्स, ये गलत है, लेकिन फिलहाल तो ये लिखो। आपने लिख लिया सेकंड वाला? लिख लो जल्दी,
समझ आई? लिख रहे हो? दिखाओ मुझे, दिखाओ इसको, इस तरह देखो ना, ये समझो क्वेश्चन वन है, सही है? स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट, सही, गो टू थर्ड फ्लोर, मैं छोटा करके देख रहा हूँ ताकि, थर्ड फ्लोर, पिक द रेड बुक, फ्रॉम लाइब्रेरी, सही, ब्रिंग इट डाउन, क्या मुश्किल था उसमें? समझ आ रही है? अब सीधा ही लिखना, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें इस तरह लिख लो फिलहाल, इफ नाइट से जागते रहो कीप सेइंग, जागते रहो अंटिल मॉर्निंग, ठीक है? समझ आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? कॉन्सेप्ट समझ आ रही है ना बात का? आगे बढ़े, बढ़ जाए। अच्छा, ये दो सवाल मैंने लिखे थे इस डैश के नीचे, ये हमारा था ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, सही? अब ये बहुत क्लियरली कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, मैं किसका मैंने काटा था क्वेश्चन नंबर 3 का, जिन्होंने एमएस वर्ड के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखवाया था, देखिए इस किसका काटा था, देखो बात समझो, हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहे, सही है? एमएस वर्ड तो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, हम हमारा गोल थोड़ी है ये कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करके कुछ भी लिख दें, हमारा काम ये है कि हम कंप्यूटर से वो लिखवाएं। आपके पास एक नया कंप्यूटर आता है, उसके अंदर एमएस वर्ड नहीं होता, आप तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है? तो हमारा काम ये है कि हम कंप्यूटर से ये काम करवाएं, हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, तभी तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। एमएस वर्ड जैसी चीज़ हम बनाने वाले हैं, मतलब इस्तेमाल करने वालों में नहीं है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सोचें इस तरह से कि हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले नहीं है, हम कंप्यूटर से काम करवाने वाले हैं, ठीक है? इस्तेमाल, बड़ी फाइन लाइन होती है इन दोनों के दरमियान। इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बनी हुई है, उसे यूज़ करना, ठीक है? जैसे एमएस वर्ड बना हुआ है, उसे यूज़ करना, हमारा वो गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हम एमएस वर्ड जैसी चीज़ बनाएं, व्हाट्सएप जैसी चीज़ बनाएं, स्नैपचैट जैसी चीज़ बनाएं, इंस्टाग्राम जैसी चीज़ बनाएं, कैलकुलेटर अपना बनाएं, समझ आ रहे हैं आप? तो हम एमएस वर्ड पे हेलो वर्ल्ड नहीं लिख रहे, हम एक अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि मल्टीपल काम करेगा, उसके पीछे हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो काम करेगा, ठीक है? अभी जब हम ये एल्गोरिदम लिखेंगे तो इमेजिन करें कि आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है? उसके अंदर पहले वाले के लिए एक बटन है और यहाँ एक स्क्रीन है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, इस वाले के लिए, ठीक है? आपको करना क्या है कि जब ये बटन प्रेस हो, यहां पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाए, ठीक है? ये बनाना है आपको, बस छोटा सा काम है, ठीक है? तो ट्राई करें, एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है ये, और इसमें कुछ भी नहीं सोचना, लिटरली इसमें कुछ भी नहीं सोचना, ज्यादा सोचेंगे फंस जाएंगे। मैं क्लू इस तरह से दे देता हूं
बस अब बाकी मैं नहीं बता रहा, ज़रा कोशिश करें। और देखें पॉसिबल है बना सकते हैं। 2 महीने क्लू आपको ये दिए, ज़्यादा नहीं सोचना है, कोई डीप मीनिंग बातें नहीं है, सही है। बटन दबाएंगे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाएगा। और एक मैंने लाइन अंडरलाइन, एक अंडरलाइन किया है एक सवाल में ही चीज़ को, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको जवाब फौरन मिल जाएगा। 1 लाइन इंस्ट्रक्शन है, मैं इतना और क्लू दे चुका हूँ, तो जो जो कर लें वो मुझे बता दें। क्वेश्चन 2 पे अभी मत आइएगा, सही है, ठीक है। वे स्ट्रीप कमांड बटन प्रेस, आप सही प्रेस द बटन स्क्रीन, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड या शो हेलो वर्ल्ड इस तरह लिख दो, सही, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कोई मसला तो नहीं था। पहले सवाल के बाद अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा क्लू देता हूँ। अच्छा, ये क्लू देना मैं बंद कर दूंगा, ताकि अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उस माइंड सेट पर आए। अगेन हम इमेजिन करते हैं कि एक स्क्रीन है, ठीक है। राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स एंड शो देयर रिजल्ट, ठीक है। 2 बॉक्सेस हैं, एक बटन है और फिर एक स्क्रीन है। पहला नंबर इधर जाएगा, दूसरा नंबर इधर जाएगा, ये बटन है और ये स्क्रीन है, सही। तो करें जी, क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो 2 नंबर आपने लेने, जैसे वो बॉक्स में है ना, कि 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस में आप 2 नंबर डालोगे और बटन प्रेस कर दोगे। बटन प्रेस करने पे उन दोनों के एडिशन का रिजल्ट आपको उस स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है। ना ना, ना ना, जादू थोड़ी है। कल आप लोगों को मैंने एक चीज़ कही थी सीपीयू के अंदर चीज़ों को पढ़ने के लिए, आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक आपको अंडरस्टैंडिंग ये दे दी थी कि कंप्यूटर के अंदर जो ALU होता है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक अरिथमेटिक होता है जिसमें वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन रिमाइंडर ये काम कर सकता है। लॉजिक वाला क्या कर सकता है, ग्रेटर देन लेसर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, इक्वल टू, ये वाले काम कर सकता है, ठीक है। इन फंक्शंस को यूज़ करें ना, गुड, सही, ये सही है। हाँ लेकिन इनपुट तो लो, देखो ये तुमने सही किया, लेकिन इससे पहले इनपुट तो ले लो, इसमें आएंगे ना, टेक इनपुट 1, टेक इनपुट 2, फिर दोनों को ऐड। तुम्हें तो आती है प्रोग्रामिंग, तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है जो मैंने num1 और num2 देखा है। अच्छा ये गलती ना, ये नहीं करना, नंबर्स मैंने बताए थे 3 और 5, नहीं ना, तो तुम्हें थोड़ी पता वो क्या डालेगा यूज़र, ठीक है। इसमें क्या करना, अच्छा पहले तो बुलेट्स याद रखो, हमेशा बुलेट्स याद रखो, इसको इस तरह लिखो, इनपुट फर्स्ट नंबर, अब वो कोई भी नंबर डाल दे, फिर इनपुट सेकंड नंबर, आप ही देख लेना, आपका तो हो गया था सही, आपका सही हो गया था सही। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, प्रिंट रिजल्ट या शो रिजल्ट, ठीक है। इस सवाल की 1 लाइन स्टेटमेंट होगी, सॉरी स्टेटमेंट 1 लाइन होगी इसकी भी, ना ना देखो ये 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है, इस पे नंबर डालेगा वो, ठीक है। दोनों नंबर डालने के बाद जब वो बटन दबाएगा तो आपने दोनों को ऐड करना और नीचे वाली स्क्रीन में रिजल्ट दिखा देना। कि 2 और 3 कहाँ से आया, हाँ
टू और थ्री तो कहीं नहीं लिखा मैंने, इसको इस तरह से लिखा, गेट फर्स्ट नंबर, अब उसमें कोई भी नंबर डाल दे, ठीक है, उसके बाद गेट सेकंड नंबर, ठीक है, फिर ऐड बोथ, फिर शो द रिजल्ट, है ना, ये शो द रिजल्ट वाली लाइन डाल, सही जी। और कौन, नंबर फर्स्ट नंबर प्रिंट तो नहीं कर रहा, चलो ठीक है, प्रिंट नंबर वन इन फर्स्ट बॉक्स, तो ये दोबारा रिपीट क्यों किया, प्रिंट नंबर टू इन सेकंड बॉक्स ना, ठीक है, यूज अरिथमेटिक ऑपरेशन, नहीं इस तरह नहीं करना, इसको करके इसको हटा के ये कह दो ऐड बोथ नंबर्स व्हेन, टेक इनपुट, नहीं ये फाइव और एट किसने बताया तुम्हें, नहीं ना ये तो कैद लगा दी ना तुमने कि पाँच और आठ, तुम इस पर क्या करोगे, तुम इस पर ये करो कि टेक फर्स्ट इनपुट, अब वो कोई भी नंबर डाल सकता है, सही, टेक सेकंड इनपुट, ठीक है, ऐड बोथ, शो ऑन स्क्रीन, शो रिजल्ट ऑन स्क्रीन, इस तरह कर दो, हाँ हाँ जी, कौन कौन ऐसे हैं जिनसे नहीं हो रहा, नहीं ये ठीक है कि पहले बॉक्स से पहला नंबर ले लिया तुमने, सेकंड बॉक्स से दूसरा नंबर ले लिया, देन प्रेस द बटन, तो क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे ना, ऐड बोथ, बस, तो ये एडिशन जो है ये ALU में आ जाता है ना, एडिशन ये फंक्शन है, ऐड बोथ, जो आंसर आया उसको स्क्रीन पे दिखा दो, ठीक है, ये मैसेज का आपका चिक क्या, क्लिक द फर्स्ट नंबर देन क्लिक सेकंड नंबर, हाँ सही है, सही सही, अभी तो बेटा कुछ भी नहीं दिया, अभी तो आएगा, समझ आया सबको, किससे नहीं हुआ अभी तक, नहीं हुआ आपसे, हो गया, अच्छा चले मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, देखिए इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं था, सबसे पहला पॉइंट इनपुट फर्स्ट नंबर, सही, यहाँ पे वो कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, समझे उसने 100 कर दिया, एग्जांपल है, ठीक है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1,00,000 कुछ भी कर सकता है, इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर दूसरा नंबर ले, इनपुट सेकंड नंबर, ये भी समझे 100 था फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब आपके पास दोनों नंबर आ गए, आ गए, आप ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इतना याद रखना है आपने, आप अपने आप को नहीं इंस्ट्रक्शन दे रहे, सही, तो आप कंप्यूटर से क्या कह रहे हैं कि यार देखो पहला नंबर इनपुट लो, उसने ले लिया, ठीक है, उसके पास पहला नंबर इनपुट आ चुका है, फिर आपने उससे बोला दूसरा नंबर इनपुट लो, उसने दूसरा नंबर भी इनपुट ले लिया, उसके बाद दूसरा 100 भी आ गया, ठीक है, अब करना क्या है इन दोनों नंबर्स के साथ, क्या करना है हमें, हाँ ऐड करना है, सही, उसने ऐड भी कर दिया, अगर मैं प्रोसीजर चलाऊं वो कैसा होगा, इसके पास यहाँ 100 आया, यहाँ 100 आया, दोनों को ऐड किया, यहाँ 200 आया, ठीक है, शो द रिजल्ट, ऐसे ही है, यहाँ शो करा देगा, कोई कुछ मुश्किल है इसमें, समझ आ रहा है, हाँ समझ आ रहा है, जिसने नहीं किया
या कॉपी कर लें जिसे कॉपी करना है, किया भी है तो ठीक है। अच्छा अब मैं ये बॉक्स नहीं बनाऊंगा, अब ये आपने विजुअलाइज खुद करना है ठीक है। तीसरा सवाल, और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, क्योंकि मुझे पता है तीसरा सवाल में आप लोगों 7:30 बज जाएंगे ठीक है। तीसरा सवाल है, राइट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है सबको, क्या है जी बताएं? हाँ हाँ सही है सही है, लेंथ नहीं होती, ब्रेथ होती। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। सही सोचे, ये जिंदगी मुश्किल होने शुरू हो गई आप लोगों की। सही। अच्छा मैं ये नहीं मिटा रहा, बहुत रिजेम्बलेंस है सवाल के सॉल्यूशन में ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर कोई जादू नहीं है। बिरयानी बना दो, बना दी, ऐसा नहीं होता ठीक है। कंप्यूटर डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट एन एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इट डज नो इज मल्टीप्लाई माइनस प्लस डिवीजन। आपने जो भी खाना बनाना है ना कंप्यूटर का, इन सब से बनाना है ठीक है। तो शुरू हो जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए। छोड़ दो बेटा अभी, थर्ड वाला सवाल तो करो, थर्ड वाला सवाल करें। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? फर्स्ट और सेकंड बुलेट पॉइंट हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। कंडीशन कहाँ पे है? इस जगह पे। असल कंडीशन ये है, और ये कंडीशन जो है ना आपको कंप्यूटर को बतानी पड़ती है। कंप्यूटर इतना नॉलेजेबल नहीं होता, उसे नहीं पता एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता। अगर आप यहां पे लिखते ना कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसे पता ही नहीं। आपको स्पेसिफिक बताना है कि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना कैसे है, बताएं। सही है, नोट कर लिया सबने? हाँ। सेकंड वाले में क्या होगा? इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, या यहाँ पे आप इज ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं ठीक है, मैंने सिंबल लिख दिया। सेकंड नंबर शो फर्स्ट नंबर एल्स शो सेकंड नंबर। हाँ, यहां पे कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी? ये दो ठीक है। मुश्किल तो नहीं था ये जी? नहीं, आप ये नंबर 50-60 किसने बताया आपको? ये तो ऐसे बनाया। नहीं तो ये ऐसे ही नहीं करें ना। देखिए एल्गोरिदम बनाते हैं हमेशा जनरल, अगर आप उसमें स्पेसिफिक चीजें डाल देंगे ना। जी यूजर से इनपुट ले रहे हैं ठीक है, हो गया ठीक है। अच्छा जाने से पहले एक चीज मैं बता दूं, इफ और एल्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं बहुत ज्यादा। इफ और एल्स का मतलब क्या होता है उर्दू में? अगर ट्रांसलेट करें
या तो ये वरना ये, तो उसकी प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस ये है कि मुझे एक 10 साल के बच्चे को टॉफ़ी देनी है, ना तो मैं 9 साल के बच्चे या उससे कम को दूंगा, ना 10 साल से बच्चे उसके ज़्यादा को दूंगा। तो मैं बोलूँगा अगर बच्चा 10 साल का है तो मैं टॉफ़ी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। वरना का मतलब ये है कि कोई भी बंदा चाहे वो 90 साल की उम्र का भी आए, सब उसमें आ जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, ये बात समझ आ रही है? अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे मार्कर चाहिए रेड कलर का, तभी मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो रेड कलर का मार्कर मेरा एफ है, एल्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी, ब्लू, येलो, पर्पल, पिंक, ब्राउन, जो भी है। ठीक है, इसके हाँ इसकी एक मिसाल मुझे आप दें कि मैं उससे कहता हूँ मुझे या तो रेड दो या तो ब्लू दो, वरना कोई और नहीं चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा आपका? वो तो चलो एल सेफ आ जाता है, लेकिन उर्दू में क्या कहलाएगा? या तो ये वरना कुछ भी नहीं, ऐसे ही होगा। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि या तो लाल पेन देना मुझे, या तो ब्लू पेन देना मुझे, वरना कुछ भी नहीं। अब वरना में सारे पेन आ जाते हैं दुनिया के, लाल और ब्लू को छोड़ के। ठीक है, सॉरी, वो आगे बताते हैं, अभी तो सिर्फ आप समझें। देखिए, जब मैं प्रोग्रामिंग पढ़ाने शुरू करूँगा थ्योरी, तो पहले उसमें मैं आपको बता दूंगा जी सी लैंग्वेज होती क्या है, किसने बनाई है, वो सारा वो मुझे भी नहीं पता होगा, मैं यहीं से देखूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि ना मुझे भी लेना देना है, ना आपको भी लेना देना है किसने सी बनाई, लेना देना किस चीज़ से कि हम सी को यूज़ कैसे करते हैं। उसकी जब थ्योरी आएगी ना, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आएंगी, इफ एल्स वाइल फला ये वो, सही है, उसमें बताएंगे। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं जी, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं और कैसे दी जाती हैं कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मैंने आप लोगों को सवाल दिया था जागते रहो वाला। ठीक है, कंडीशन लव्स अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ कंडीशन, इसको छोड़ के सारी कंडीशन समझ आ रही थी आपको, कुछ सीधी सीधी थी, दो नंबर ऐड कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर दो, कुछ में अगर मगर की बातें आ रही थी, जैसे अगर एक पहला नंबर बड़ा है वो दिखाओ, वरना दूसरा दिखाओ। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। इसका मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं इस के एल्गोरिथम को, तो वो किस तरह होगा? ये नहीं होगा कि अगर रात है तो जागते रहो कहो। इसका उर्दू का जो जुमला होगा वो बोलेगा जब तक रात है जागते रहो कहो। फर्क समझ आ रहे दोनों में? भाई अगर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पेट्रोल की टंकी कम है तो मैं पेट्रोल भरा लूं, तो जब मैं पेट्रोल भरा लूंगा टंकी फुल हो जाएगी। लेकिन यहां कोई और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या कहती है कि जब तक रात है। अब वो रात के 12 बजे शुरू होके सुबह 6 बजे तक का जो भी टाइम आता है वो हर वक्त चेक करता रहेगा, तो जब तक रात है मैं जागते रहो कहूंगा, अनलेस सुबह नहीं हो जाती। जरूरी नहीं है टाइम क्या, जब तक मैं भूखा हूं खाते रहूं, ये थोड़ी है कि अगर मैं भूखा हूं तो खाऊं, जब तक मैं भूखा हूं मैं खाते रहूं, सही है, जब तक मैं पीएचडी नहीं करता पढ़ते रहूं, ये एक डिफरेंस है। अच्छा, ये आगे जाके ना बड़ी टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझे आप। कंडीशन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर कंडीशन में अगर मगर आ जाता है, फिर एक कंडीशन में जब तक आ जाता है, और इसी की एक्सपेंशन है, पूरी दुनिया प्रोग्रामिंग की इन्हीं के दरमियान फैली हुई है, सही। और फिर ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पर फोकस करें, आप अपने एल्गोरिथम में ये ना लिखें कि कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। जी एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आता उसे कैलकुलेट करना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं आता उसे कैलकुलेट करना, आपको आता है। कंप्यूटर को क्या काम आता है जी? उसे पता है ऐड कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
ये उसे आता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। तो इसी के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं। आज जो रोबोट्स भी चल रहे हैं ना दुनिया में, वो तो सारे इसी की कॉम्बिनेशन के ऊपर चल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये हमारा आर्ट है कि हम इनको कैसे कंबाइन करके कंप्यूटर की पावर को हार्नेस करते हैं। ठीक है, तो हम अब एल्गोरिदम्स थोड़े और मुश्किल करते रहेंगे, ठीक है, और दो या तीन क्लासें और एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे। उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे, और मेरी कोशिश ये होगी बाय एंड ऑफ जून हम सी लैंग्वेज की जितनी थ्योरी कर सकते हैं हम कर लेंगे। बाकी स्टार्ट ऑफ जुलाई हम थोड़ा कंप्यूटर पे भी हाथ पैर चलाएं, और कंप्यूटर पे हम जब करेंगे तो पाइथन करेंगे। तो थ्योरेटिकली आपने सब पढ़ा होगा सी लैंग्वेज के उसमें ब्रैकेट में, लेकिन आप करेंगे पाइथन में, तो आपको दो लैंग्वेजेस समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं।